गौ माता के संरक्षण के लिए जागरूकता संदेश हेतु शहर भर में निकली गौ रथ यात्रा, विभिन्न सामाजिक संगठनों ने पुष्प वर्षा कर किया स्वागत। गौ माता के संरक्षण को लेकर समाज में जागरूकता का संदेश देने के संकल्प के साथ संपूर्ण भारत की यात्रा पर निकले जगतगुरु श्री श्री संतोषी बाबा गौ रथ यात्रा के साथ बुधवार को ब्यावर पहुंचे। रथ यात्रा के ब्यावर पहुंचने पर शहर के विभिन्न गौ सेवा संगठनों और सामाजिक संगठनों की ओर से गौ रथ यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। जगतगुरु श्री श्री संतोषी बाबा के सानिध्य में रथ यात्रा शहर के श्री मेगा हाईवे से आरंभ होकर भगत चौराहा सुभाष चौकी पहुंची, जहां पर सामाजिक संगठनों द्वारा पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में दुपहिया वाहन पर सवार गौ भक्त शहर वासियों को गाय माता के प्रति जागरूकता का संदेश देने हेतु हाथों में स्लोगन लिखी तख्तियां लेकर चल रहे थे। इस दौरान रथ यात्रा के आगे आगे अश्व पर सवार युवक रथ यात्रा में चल रहे थे। रथ यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में गौ मुकुटों लगाए युवक भी गाय माता के जयकारे लगाते हुए चल रहे थे। कुछ युवक ढोल नगाड़ों की धुनों पर नृत्य करते हुए चल रहे थे, जो कि शहरवासियों के लिए आकर्षण का केंद्र रहे। रथ यात्रा अजमेर गेट से रवाना होकर शहर के फतेहपुरिया चौपड़, महादेव जी के छत्री, भारत माता सर्किल से पाली बाजार, लौरान चौपड़ से होते हुए चांग गेट पहुंची। इस दौरान शहर के हर चौराहे पर स्वागत द्वार बनाकर बड़े ही उत्साह के साथ सामाजिक संगठनों ने गौ रथ यात्रा पर पुष्प वर्षा करते हुए गौ माता के जयकारों से शहर को गुंजायमान कर दिया। रथ यात्रा के चांग गेट पहुंचने पर विधायक शंकर सिंह रावत के सानिध्य में पार्षद मंगल सिंह मोनू, मजोर जाजतावर सहित बड़ी संख्या में मौजूद भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी गौ रथ यात्रा का पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया। रथ यात्रा के चांग गेट से अंबेडकर सर्किल से होकर सेंधा रोड से होते हुए पाली की ओर रवाना हो गई। मालूम हो कि उक्त गौ यात्रा महाशिवरात्रि से हरियाणा के कुंडली स्थित पीतमपुरा के सिद्धाश्रम से आरम्भ हुई थी। गौ संरक्षण के प्रति आमजन में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से आरम्भ हुई गौ रथ यात्रा एक महीने के भीतर करीब 27,000 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। श्री श्री संतोषी बाबा गौवंश के प्रति आमजन को जागरूक करने के उद्देश्य से ही इस गौ रथ यात्रा का आयोजन कर रहे हैं। यात्रा के दौरान आमजन को गौवंश के लिए चारे की व्यवस्था करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, ताकि प्लास्टिक और अन्य कचरे को खाकर गौ माता की मौत ना हो। साथ ही मौसम की मार से गौ माता को बचाने के लिए आवास का प्रबंध करने, स्वास्थ्य सेवाएं दुर्घटना से बचाने के लिए टैगिंग व रिलेक्टर लगाने, बच्चों को गौवंश के बारे में ज्ञान वृद्धि, वार्षिक गौवंश फेस्टिवल आयोजन, बेसहारा लावारिस बच्चों, समाज में गौवंश और अनेक धार्मिक सामाजिक वैज्ञानिक महत्व के विषय में जागरूकता फैलाना भी है। गौ रथ यात्रा के दौरान महावीर बाफना, संजय घिया, सतीश गर्ग, रमेश उपाध्याय, राजू सेठिया, एडवोकेट लक्ष्मण सिंह पंवार, संजय नाहर तथा राजेंद्र शर्मा सहित बड़ी संख्या में गौ भक्त शामिल हुए। जीवन सवार ने वाली सेवा से पत है सवार की।